आप सब जानते ही हैं, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और हमारे एक्वेरियम्स का पानी जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया है। नॉर्मली हमारे टैंक में जो पानी होता है उसका आइडियल टेम्परेचर है 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सर्दियों में ये टेम्परेचर धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने के साथ साथ नीचे जाना शुरू हो जाता है और इससे एक्वेरियम की मछलियों को काफ़ी परेशानी होती है, उन्हें डिसकंफर्ट फील होता है, वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाती हैं और उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम वाइट स्पॉट डिसीज़ है। और अगर किसी ट्रॉपिकल फिश को लगातार ठंडे पानी में रखा जाए तो उसे वाइट स्पॉट के साथ साथ इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, इससे उसकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और वो खाना पीना छोड़ देती है और उसकी मूवमेंट जो है बहुत कम हो जाती है। नेचर में ये काम सर्दियों में हाइबरनेशन के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में मछलियाँ पानी की सतह पर ज़्यादा नज़र आती हैं जबकि सर्दियों में वही मछलियाँ पानी की सतह पर कम नज़र आती हैं। इसका रीज़न ये है कि पानी की ऊपर की 2 फुट की सतह ठंडी हो जाती है जबकि उससे नीचे की सतह गर्म रहती है और मछलियाँ अपने आप को ठंड से बचाने के लिए 2 फुट नीचे वाली सतह में चली जाती हैं। इसीलिए सर्दियों में पॉन्ड्स में, सरोवर में, तालाबों में मछलियाँ ऊपर कम देखने को मिलती हैं और नीचे तालाबों में ज़्यादा रहती हैं। दूसरी बात, हमारे एक्वेरियम में जो टेम्परेचर है वो हर एक मछली की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। जैसे कोल्ड वाटर फिशेस जो हैं, जो ठंडे पानी में रहने वाली मछलियां हैं, उनके लिए आइडियल टेम्परेचर 23 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। इसमें आपकी गोल्ड फिश और कोई प्रजातियां आती हैं जबकि ट्रॉपिकल फिशेस में यही टेम्परेचर की रेंज 24 से 27 के बीच में वेरी करती है। कुछ मछलियां 24 डिग्री पर कंफर्ट फील करती हैं और कुछ मछलियां बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल टेम्परेचर में रहने वाली जो हैं, या कहें कि बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहने वाली मछलियाँ थोड़ा हाई लेवल का टेम्परेचर पसंद करती हैं। नॉर्मल मछलियों के लिए 25 डिग्री का टेम्परेचर आइडियल माना गया है जबकि कुछ ट्रॉपिकल फिशेस, हाईली ट्रॉपिकल फिशेस जैसे फ्लावर हॉर्न, एरोवाना, इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ऊंचे टेम्परेचर की होती है, यानी ये 26 से 28 डिग्री के बीच का टेम्परेचर पसंद करती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ठंडे पानी को, जो हमारे एक्वेरियम का ठंडा पानी है, उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे फिक्स कर सकते हैं या उसे हम नॉर्मल आइडियल टेम्परेचर पे कैसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसका जवाब है एक्वेरियम हीटर्स। मार्केट में कई प्रकार के हीटर मौजूद हैं, इनमें
थर्मोस्टैट लगे हुए ऑटो कट की फैसिलिटी वाले हीटर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलायबल हैं। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग तरह के हीटर्स बनाती हैं। थर्मोस्टैट का काम वाटर टेम्परेचर को मॉनिटर करना है और उसे प्रॉपरली कैसे मेंटेन करके रखना है, ये काम थर्मोस्टेट के द्वारा होता है। आज मैं आपको हीटर को एक्वेरियम में किस ढंग से इंस्टॉल किया जाता है, उसको इंस्टॉल करने का, लगाने का प्रॉपर मेथड क्या है, वो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हीटर लगाते हैं। ये आपके सामने मेरा फ्लावर हॉर्न का टैंक है। इसमें मेरी फ्लावर हॉर्न 2 दिन पहले तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही थी, लेकिन अब ये कुछ स्लगिश सी हो गई है। और रीज़न एक ही है कि पानी ठंडा हो गया है, इसने अपना रंग कुछ लाइट कर लिया है। ये पिंकिश कलर की फ्लावर हॉर्न है, जबकि इसका अब जो कलर है वो थोड़ा वाइटिश जैसा हो गया है। और इसका एक ही रीज़न है कि पानी ठंडा हो चुका है, जबकि फ्लावर हॉर्न 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर पसंद करती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय इस पानी का क्या टेम्परेचर चल रहा है। मैं इसमें एक थर्मोमीटर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी का टेम्परेचर क्या चल रहा है। ये मैंने एक थर्मामीटर इसमें इंस्टॉल कर दिया है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस समय इस टैंक का टेम्परेचर कितना है। आप खुद देख सकते हैं इस समय पानी का टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि फ्लावर हॉर्न के रिक्वायरमेंट से बहुत कम है। इसलिए अब मैं इसमें एक हीटर लगाने जा रहा हूँ। हमेशा इतना ध्यान रखें कि हीटर जो है वो पानी के वॉल्यूम के हिसाब से लगाएं। मसलन कि अगर आपका टैंक 84 लीटर का है तो उसमें कम से कम 100 वाट का हीटर जरूर लगाएं। ये मेरा टैंक तकरीबन 90 लीटर की कैपेसिटी का है, तो मैं इसमें एक 100 वाट का हीटर ही लगाऊंगा। जनरल रूल जो एक्वेरियम में यूज़ किया जाता है हीट करने के लिए पानी को, वो है कि 1 लीटर पानी को 1 वाट हीट की ज़रूरत होती है। मैं ये
RS इलेक्ट्रिकल का हीटर आप देख पा रहे होंगे, ये 100 वाट का हीटर है। मैं इसे इस टैंक में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ये इसकी वायर है, ये इसका हीटर है और ये इसका इंडिकेटर है, LED इंडिकेटर, जो हमें बताता है कि किस समय हीटर ऑन है और किस समय ऑफ है। और ये इसका हीटिंग एलिमेंट है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इतना, ये इसका थर्मोस्टेट है, जिसका काम पानी को चेक करना है, पानी के टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, सेंस करना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक सेंसर है जो पानी के टेम्परेचर को सेंस करता है और हीटर को उसके अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए रेगुलेट करता है। ये जो आप चौरस सा खाना देख रहे हैं, ये एक्चुअल में टेम्परेचर्स हैं। इसके अंदर डिजिटली टेम्परेचर लिखे हुए हैं और इनको सेट करने के लिए इस नॉब को यूज़ किया जाता है। इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर टेम्परेचर घटता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये नंबर्स शायद नज़र आ जाएं। उम्मीद है आपको अभी ये नंबर नज़र आ रहे होंगे। इस समय हमारा हीटर जो है वो 22 और 24 के बीच में, मतलब कि 23 डिग्री पे सेट है और मैं इसे कम से कम 26 पे सेट करूँगा। उसके लिए मैं इस नॉब को घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज और ये आपके सामने है। टेम्परेचर जो है वो 26 पे सेट हो गया है। अब इस हीटर को इन क्लिप्स के साथ मैं इंस्टॉल करूंगा। ये मैंने क्लिप्स जो हैं वो लगा दिए हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि LED इंडिकेटर आपको नज़र आना चाहिए, आपकी तरफ फेस किए हुए हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हीटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको टूटने से बचाने के लिए ये इसका सेफ्टी कैप है, ये भी लगा देते हैं। और अब मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इंस्टॉल करने के लिए एक बात का और ध्यान रखें, हीटर को एक ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे वाटर फ्लो मैक्सिमम हो। मतलब अगर आपका हीटर इस पोजीशन में लगा है और उसका फ्लो इस नोज़ल से सीधा ऐसे सामने निकलता है, तो आप उसे या तो बैक एंड पे प्लेस कर सकते हैं या उस साइड वॉल पे जहाँ पर इसका फ्लो बिल्कुल सामने जाके टकराता है उस पे। इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैंने अपने पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक जेड शेप पाइप लगाया हुआ है, जो कि आप मेरे दूसरे वीडियो में सीख सकते हैं कि पानी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और इस फ्लो को कंट्रोल करने की वजह से मेरे अक्वेरियम में पानी की मूवमेंट जो है वो सामने ना हो करके इस तरह से है। तो मैं इस अक्वेरियम हीटर को
बैक वॉल पे ही इंस्टॉल करूँगा। इसलिए मैंने ये क्लिप जो है इसके पीछे लगाए हैं, ताकि ये जब मैं इसमें इंस्टॉल करूँ तो ये फ्रंट फेसिंग ही हो। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी हीटर को प्लेस करें तो उसे कभी भी सीधा ऐसे कभी मत लगाएं, उसे हमेशा 45 डिग्री एंगल पे ऐसे या ऐसे ही लगाएं। इसका रीज़न ये है कि जब हम हीटर को ऐसे इंस्टॉल करते हैं और जब उसका पानी नीचे से गर्म होना शुरू होता है, तो गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी से हल्का होता है और वो हमेशा ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। तो इसके आसपास जब पानी गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। ऊपर की तरफ जाने की वजह से वो इस थर्मोस्टेट से टकराएगा और थर्मोस्टेट गलत सेंस करेगा कि पानी गर्म हो गया है और वो सारा पानी गर्म होने से पहले ही कट ऑफ हो जाएगा और इस तरह आपके पानी में पैचेस बनेंगे जो कि किसी भी फिश के लिए खतरे से कम नहीं है। चलिए अभी मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अभी मैंने हीटर इंस्टॉल कर दिया है। और आप देखेंगे कि ये जो एलईडी इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। आपको नज़र आया होगा कि वो एलईडी इंडिकेटर अब ऑन हो गया है और हमारा हीटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये किसी भी हीटर को लगाने का सही मेथड है। उम्मीद है आपको ये हीटर इंस्टॉल करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपने सुझाव, आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक्वेरियम हॉबी से रिलेटेड हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उसे दबाने से आप नए वीडियो के नोटिफिकेशन को कभी मिस नहीं करेंगे और आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए इतना कीमती समय आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।